हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिरो फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है टेबल टेनिस गेम से रिलेटेड। टेबल टेनिस से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में समाहित हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टेबल टेनिस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और टेबल टेनिस से क्वेश्चंस आते रहते हैं और इस वीडियो से बाहर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर चेक कीजिए फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया गया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और डेली बेसिस में प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि टेबल टेनिस खेल की शुरुआत किस देश से हुई। तो दोस्तों, टेबल टेनिस गेम की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस कैसा खेल है। तो टेबल टेनिस जो है एक प्रकार का इंडोर गेम है। कैसा है? इंडोर गेम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का क्या नाम रखा। तो इस खेल का, टेबल टेनिस के निर्माताओं ने इस खेल का नाम पहले पिंग पोंग रखा। क्या? पिंग पोंग। क्वेश्चन यह आ सकता है कि पिंग पोंग नाम से कौन सा खेल प्रसिद्ध था? तो टेबल टेनिस। और फिर पिंग पोंग का नाम बदला गया आगे चलकर कि पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर 1926 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे। तो दोस्तों, इसको अक्सर लोग रात के खाने के बाद, रात को खाने के बाद खेलना पसंद करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया। तो दोस्तों, 1926 में पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1938 में हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में 1988 सियोल ओलंपिक में दक्षिण कोरिया में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों में शामिल किया गया 1958 टोक्यो ओलंपिक में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया। तो विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में 1952 में किया गया। दोस्तों, यह किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन एशिया में पहली बार किया गया, वो भी मुंबई में। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर्स बोला जाता है एंड मुक्केबाजी के खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है एंड बास्केटबॉल के खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है। तो टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष प्रतियोगिता होती है, उसकी विजेता को कौन सा कप दिया जाता है। तो स्वेथलिंग कप। कौन सा कप दिया जाता है? स्वेथलिंग कप। एंड टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता के विजेता को कौन सा कप दिया जाता है। पुरुष में तो स्वेथलिंग कप दिया जाता है और महिला टीम प्रतियोगिता के विजेता को कौन सा दिया जाता है कप, तो वह है कार्विलान कप। कौन सा कप? कार्विलान कप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई। तो विश्व की प्रथम प्रतियोगिता टेबल टेनिस खेल में 1921 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ। तो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में। दोस्तों, विश्व भारत की जरूर याद कर लीजिएगा, हर खेल का इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है हर बार। और कब
कौन सा गेम ओलंपिक में कब शामिल हुआ, एशियाई गेम में कब शामिल हुआ, ये अवश्य आता है। तो जो निश्चित है कि 100% आएगा ही, तो उसको आप गलत मत कीजिए, उसको रट लीजिए। नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे अधम सरारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टेबल टेनिस संघ के 2015 में कौन अध्यक्ष थे? तो कार्न डबरासी। वर्तमान में कौन है दोस्तों, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है, विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1938 में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो जेसी बोहरा को 1961 में टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो दोस्तों इनमें से किसी को भी नहीं दिया गया है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी तक किसी को दिया ही नहीं गया है टेबल टेनिस में। नेशनल इनमें से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है? टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है? तो सेंट ब्राइडवास कप है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता कौन सी है? तो वह है जी जिस्ट कप, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का नाम है हेदुसैक कप। क्या है? हेदुसैक कप। एंड नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहा जाता है पैडलर्स। क्या बोला जाता है? पैडलर्स। एंड दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पुगलिस्ट बोला जाता है बॉक्सिंग खिलाड़ी को, शटलर्स बैडमिंटन खिलाड़ी को। नेक्स्ट है, बर्ना बिलाग कप किस खेल से संबंधित है? तो बर्ना बिलाग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITTF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1926 में हुआ, हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप क्या होती है? तो दोस्तों टेबल की माप होती है 2.74 × 1.525 मीटर, यानी लंबाई होती है 2.74 मीटर एंड चौड़ाई होती है 1.525 मीटर। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो जो टेबल होता है वो 76 फीट यानी ढाई फीट यानी 76 सेंटीमीटर ऊंचा होता है जमीन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल के कोर्ट को दो भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन जो नेट के लंबवत होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो सेंटर लाइन की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है एंड साइड लाइन की 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है? तो 2.7 ग्राम यानी 2.7 ग्राम होता है टेबल टेनिस खेल का, टेबल टेनिस का बॉल का भार 2.7 ग्राम होता है, सबसे कम भार होता है इसका। सबसे ज्यादा बॉल मेडिसिन बॉल थ्रो का 5 से 6 kg होता है। मेडिसिन बॉल थ्रो में महिलाओं का अलग पुरुषों का अलग भार होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल की गेंद का ब्यास कितना होता है? तो ब्यास 40 mm होता है। कितना होता है? 40 mm होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके हुए रबर की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 2 mm होती है यानी मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट है, टेबल टेनिस को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया? तो
1988 सियोल ओलंपिक में टेबल टेनिस को शामिल किया गया एंड एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट है कि TTFI का फुल फॉर्म क्या है, तो TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1938 में हुआ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। एंड नेक्स्ट है टेबल के बॉर्डर की मोटाई कितनी होती है, जो साइड लाइन होती है उसकी मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर एंड सेंटर लाइन की 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेबल टेनिस रिलेटेड। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी आपके मन में इस गेम्स रिलेटेड डाउट होगा वो सभी डाउट कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इसी तरह अपने प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।